नमस्कार, आप जो रहा छो न्यूज 18 गुजराती ने आपनी साथे हूं छु प्रीति। बुलेटिन शुरुआत में बात करीशुं। गुजरात में विधिवत चोमासानुं काउंटडाउन शुरू थई गयुं छे। गमे ते समये गुजरात में चोमासुं बेसी शके छे। हाल गुजरात में चोमासुं बेसवा माटे स्थिति अनुकूल छे। हवामान विभागना मते 24 कलाक में चोमासुं गुजरात में आजे गमे त्यारे बेसी शके छे। दक्षिण गुजरात में चोमासानी दस्तक। दक्षिण गुजरात में मेघराजानी धमाकेदार एंट्री थशे। विधिवत चोमासा पहला ज मेघराजाए मेहर आपी छे। राज्य में हाल 5 दिवस वरसादी माहौल रहेशे। अमदावादना घणा विस्तारों में पण झरमर वरसाद पड्यो छे। सौराष्ट्र अने कच्छमां पण वरसाद पड़ी शके छे। राज्यना केटलाक विस्तारों में भारी वरसाद पण थई शके छे। बे दिवस दक्षिण गुजरात में भारी वरसाद थई शके छे। वलसाड, नवसारी ने डांग में पण भारी वरसाद थई शके छे। साथ ही 26 अने 27 जून माछीमारों ने दरियो न खेड़वा माटे सूचना आपी देवामां आवी छे। तो गमे ते समय गुजरात में चोमासु बेसी शके छे। गुजरात में चोमासु बेसवा माटे स्थिति हवे अनुकूल जोवा मळी रही छे। हवामान विभागना मते 24 कलाक में गमे त्यारे गुजरात में चोमासु बेसशे। साथ ही दक्षिण गुजरात में चोमासानी दस्तक सौथी पहेला जोवा मळशे। दक्षिण गुजरात में मेघराजानी धमाकेदार एंट्री थशे तेवुं हवामान विभागे जणाव्युं छे। साथ ही वात करीए तो आ 24 कलाक दरमियान गमे त्यारे चोमासु बेसी शके छे। तो पळे पळनी खबर न्यूज 18 गुजराती आपने आपशे। अमारी साथे अमारा सहयोगी पंकज शर्मा जोडाया छे। पंकज, मेपना माध्यमथी जणावशो कि जे प्रकारे कहेवायुं छे कि 24 कलाकमां गमे त्यारे ચોમાસું ગુજરાતમાં દસ્તક દઈ શકે છે, આ વિશે શું માહિતી છે? બિલકુલ, હવામાન વિભાગે કહ્યું છે કે આજે કોઈ પણ સમયે વિધિવત રીતે ચોમાસું ગુજરાતમાં બેસી જશે। અને આજે જે લેટેસ્ટ તસવીર હવામાન વિભાગે જે જારી કરેલી છે હું આપને બતાવીશ। हवामान विभाग ना मते आजे कोई पण भोगे दक्षिण गुजरात तरफ चोमासु आवी शके छे। एटले के आजे रात सुधी में पण विधिवत चोमासु बेसी शके छे अथवा तो सांजे पण बेसी शके छे। पण वरसादनी पूरेपूरी संभावना बपोर थी शुरू थई जशे। अत्यारे आप जोई शको छो कि आ जे ब्लू लाइन लागेली छे तेमां महाराष्ट्र थी नीचेनो आखो भाग अने मध्य गुजरातनो अर्धो भाग अने साथे उत्तर गुजरातमां पण जम्मू काश्मीर थी लईने हरियाणा दिल्लीनो केटलोक भाग अने यूपीना केटलाक भागमां अत्यारे चोमासु बेसी गयु छे। अने गुजरातनी अंदर ज्यां सुधी वात छे, गुजरातमां आजे सांज सुधीमां अथवा तो रात सुधीमां विधिवत चोमासु बेसी जशे। एटले दक्षिण गुजरातना वलसाडमां भारे वरसाद पड़ी शके छे, ज्यारे मध्य गुजरातमां पण वरसाद पड़ी शके छे। हवे हुं आपने बतावीश विंडीना माध्यमथी के आजे कया कया विस्तारोमां वरसादनी संभावना छे। तो आ तस्वीरोमां तमे जोई शको छो के आजे विस्तारो देखाई रह्या छे आपने। आ तमाम विस्तारोनी अंदर आजे वरसादनी संभावना छे। हवे एमां आ डाकोर एटले के खेड़ा जिल्लामां वरसादनी संभावना छे। धोड़का एटले के अमदावादनो रूरल एरियो छे त्यां पण वरसादनी संभावना छे। खंभात, तारापुर एटले के आणंद चरोतर पंथकना मोटा भागना तालुकामां वरसाद आजे पड़ी शके छे। आणंद बोरसदमां वरसाद पड़ी शके छे। वडोदराथी करजणनो पट्टो अने चापानेर गोधरामां पण वरसादनी संभावना छे। गईकाले गोधरामां 4.25 इंच जेटलो वरसाद पड्यो हतो। आजे पण सवारथी ज वादळछायुं वातावरण अने गोधरामां झरमर वरसाद शरू थई गयो छे। अमदावादमां पण आजे वरसादनी संभावना छे। अमदावादमां सवारे ज झरमर वरसाद शरू थयो हतो। अत्यारे पण वादळछायुं वातावरण जोवा मळी रह्युं छे। अमदावादमां गांधीनगरमां पण वादळछायुं वातावरण छे। ત્યારબાદ આ જે વિસ્તાર આપને દેખા બતાડી રહ્યો છે, સુરેન્દ્રનગર, લીમડી, રાણપુર, બોટાદ, ગઢડા, બરવાડા, ધંધુકા, આ વિસ્તારમાં પણ આજે સાંજે 4 વાગ્યા બાદ વરસાદની સંભાવના છે। જ્યારે દક્ષિણ ગુજરાતમાં આ દહેજ છે અને ડભોઈ છે અને કોસંબા આ વિસ્તારની અંદર વરસાદની સંભાવના જોવા મળી રહી છે। તો આજના દિવસની જો વાત કરીએ તો આ વિસ્તારોમાં આજે વરસાદ થઈ શકે છે। અને હવામાન વિભાગના મતે આજે સાંજ સુધીમાં ગુજરાતમાં ચોમાસું બેસી શકે છે। અને આવતીકાલે દક્ષિણ ગુજરાતના વલસાડ, દમણ અને દાદરાનગર હવેલીમાં ભારે વરસાદની સંભાવના છે। જી પ્રીતિ, બિલકુલ, તો જે પ્રકારે કહી શકાય કે મેપના માધ્યમથી આપે જાણ્યું છે, આજની વાત કરીએ તો લગભગ 24 કલાકમાં ગમે ત્યારે ગુજરાતમાં ચોમાસું વિધિવત રીતે બેસી શકે છે। મારા સહયોગી પંકજ શર્માએ જે આપને મેપના માધ્યમથી જણાવ્યું છે, ઘણા એવા વિસ્તારો છે જ્યાં આજે સાંજ સુધીમાં વરસાદ પડી શકે છે। तो हिमाचल प्रदेश में चोमासाना पहला वरसादे ज ताराजी सर्जी छे। रधार वरसादथी नदियों में पाणीनो धसमसतो प्रवाह वहेतो थयो छे। वरसाद बाद उपरवासमांथी आवता पाणीना कारणे नदी पर बनावेलो पुल पण क्षतिग्रस्त थयो छे। रस्तानुं धोवाण थता अकस्मात पण सर्जाया छे। शरूआतना वरसादमां ज मेघराजाही धमाकेदार बेटिंग करता राज्यना जलाशयोमां सतत पाणीनी आवक पण वधी रही छे। आ पुलना भारे नुकसान थता वाहन व्यवहार पण असरग्रस्त थयो छे।
भारे वरसाद ने कारण जलाशयों में जल सपाटी पण वधी छे। पाणीना धसमसता प्रवाह में पुल क्षतिग्रस्त थयो छे, जेने कारणे वाहन व्यवहार ने पण असर जोवा मळी रही छे। हिमाचल प्रदेश में मेघराजा की तोफानी बेटिंग जोवा मळी अने तेने कारणे ज्यां जुओ त्यां पाणी ज पाणी जोवा मळी रह्युं छे। चोमासानी फक्त आ शरूआत छे, परंतु शरूआत में ज अनराधार वरसाद ने कारणे रोड रस्ताओ पाणी पाणी थई गया छे। आ तरफ हरियाणा में पण भारी वरसाद वरसी रह्यो छे। अनराधार वरसाद ने कारण गुरुग्राम में जन्मबका की स्थिति सर्जाई छे। भारी वरसाद ने कारण मुख्य रस्ताओ पर पानी भराता वाहन व्यवहार पण असरग्रस्त थयो छे। मुख्य मार्गो पर घूंटण समा पानी भराता लोकोने भारी समस्याओ थई रही छे। हरियाणा गुरुग्राम पर जंबबाकार जेवी स्थिति निर्माण थयुं छे। मुख्य रस्ता पर पाणी फरी वळ्या छे। वरसादी पाणी फरी वळता वरचवर करता छे लोको छे, वाहन चालको छे, तेमने हालाकी पड़ी रही छे। जलमग्न थता रस्ताओ जलमग्न थई गया छे, जेने कारणे वाहन व्यवहार पण कुरवायो छे। तो महाराष्ट्र में चोमासा की दस्तक, मुंबई में 24 कलाक भारी वरसाद की आगाही करवामां आवी छे। उपरांत हवामान विभागे ऑरेंज एलर्ट पण जाहिर कर्युं छे। मुंबई में पवन साथे वरसादना दृश्यो सामे आव्या। रोड रस्ता पर नदी नाळा जेवा दृश्यो सर्जाया छे। आ वरसादने कारणे वाहन चालको पण मुश्किलमां मुकाया छे। मुंबई में 24 कलाक भारी वरसाद की आगाही करवामां आवी छे। साथे ज वात करीए तो हवामान विभागे ऑरेंज एलर्ट पण जाहिर कर्युं छे। तो आ विषय वधु जानकारी मेळवीशुं। संवाददाता मुंबई थी जोड़ाई गया छे सर्वेश तिवारी। सर्वेश, बात की जाए महाराष्ट्र में भी कह सकते हैं कि जो मॉनसून है उसकी शुरुआत हो चुकी है, कहीं पानी भर चुका है, तो ऐसे ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है, क्या ज्यादा जानकारी इसके बारे में? देखिए प्रीति, पिछले कई दिनों से जून महीना के महीने की आज 25 तारीख है, तकरीबन 23 दिन बीत चुके थे। अंदाजा लगाया जा रहा था कि 10 तारीख के बाद बरसात होगी और मुंबई को नहीं पूरे महाराष्ट्र को बारिश देखने को मिलेगी, अच्छी बारिश। लेकिन 23 दिन बीत जाने के बाद भी बारिश नहीं आया। लेकिन 24 जून से जिस तरह से मुंबई और महाराष्ट्र के कई जिलों में मानसून ने अपनी दस्तक दी है, उससे एक तरफ खुशी का माहौल तो है ही, लेकिन मुंबई शहर की बात करें तो कई निचले जगहों पर कल ही पानी भरा था, अंधेरे समय में भरा था। आज भी कुछ जगह निचले इलाकों में थोड़ी बहुत पानी भरी है, क्योंकि मुंबई मौसम विभाग ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक जो रेनफॉल है वो मॉडरेट और मॉडरेट टू हैवी रेनफॉल है। इसका मतलब कि बारिश रुक रुक होती रहेगी और हैवी बारिश भी होगी। मुंबई सहित महाराष्ट्र के कई जिलों में आज से लेकर आने वाले 5 दिन तक मौसम विभाग से हमारी अभी कुछ मिनट पहले बात हुई है, उनका साफ कहना है कि अलग अलग दिन ये बारिश होगी, हैवी बारिश, लेकिन बीच में रुक रुक कर होगी। एक अच्छी खबर है कि मानसून का इंतजार किया जा रहा था, बारिश हो रही है, लेकिन जब हैवी बारिश होती है तो मुंबई नहीं महाराष्ट्र के कई जिलों में तकलीफें भी सामने आती है। तो कुल मिला जुला कर तकलीफें का सामना भी करना है और जो एक पानी की जरूरत है उसको भी ध्यान में रखना है, क्योंकि इसमें गर्मी के दिनों में मुंबई सहित महाराष्ट्र के कई जिलों में पानी की बहुत बड़ी दिक्कत सामने आ रही थी। हाल ही में मुंबई शहर और मुंबई शहर के आसपास के कई इलाकों में पानी की कटौती की गई थी। तो इस बार जो लेट मानसून शुरू हुआ है उस मानसून को लेकर अभी कयास लगाना शुरू हुआ है कि मॉडरेट टू हैवी रेनफॉल होता रहेगा अगले 5 दिन तक। लेकिन सबकी जो निगाहें टिकी है, चाहे मुंबई महानगर पालिका हो या महाराष्ट्र के कई जिलों के तमाम क्षेत्र हो, वहां पर एक जो सबकी नजरें टिकी हैं कि जिन जिन तालाब से जिन जिन जगहों से लोगों को पानी मिलता है पीने का, कम से कम वो पूरी तरह से भर जाए, क्योंकि इस बार मानसून काफी देरी से आया है। जी प्रीति जी, सर्वेश बात कर सके, अगर चौमासे की शुरुआत हुई है, बारिश की शुरुआत हुई, लेकिन उसके बाद महाराष्ट्र में ऐसी बहुत सी जगह है कि जहां जो स्थिति है वो खराब देखने को मिल रही है। मुंबई की अगर बात की जाए, मुंबई में कौन कौन से ऐसे एरिया है जहां पानी भर चुका है, जहां स्थिति खराब दिख रही हो? देखिए कल जिस तरह से मानसून की शुरुआत हुई थी, लगातार 8 से 10 घंटे बारिश हुई थी। अभी फिलहाल जो वर्तमान स्थिति है, बारिश रुक रुक कर रही है, लेकिन
जब भी हैवी रेनफॉल होता है, जैसे अभी कंटिन्यू बारिश जो रुक रुक पर हो रही है, उससे दादर ईस्ट का एक रोड है वहां पे पानी भरा हुआ है, अंधेरी सबवे पे थोड़ा पानी भरा हुआ है, माहिम धारावी के कुछ निचले इलाके हैं वहां पे थोड़ा सा पानी भरा हुआ है। तो जितने निचले इलाके होते हैं, अगर मानसून कंटिन्यूटी अपनी रफ्तार में रहता है, लगातार हैवी रेनफॉल है, तो वहां पर निचले इलाकों में पानी का जो एक फीट से दो फुट से ढाई फुट तक पानी देखने को मिलता है। फिलहाल अभी एक ताजा घटना आज जो घटी है कि राजावाड़ी मुंबई का जो घाटकोपर इलाका है, राजावाड़ी इलाके में जो ग्राउंड प्लस टू घर था उसका एक थोड़ा सा भाग बारिश की वजह से गिर गया है। हालांकि इसमें किसी प्रकार कोई हताहत नहीं हुई है, लेकिन एक डर लगा रहता है कि जब भी बारिश कंटिन्यूटी अपनी रफ्तार पकड़ती है, जितनी ओल्ड इमारतें हैं, ओल्ड बिल्डिंगे हैं पुरानी, जिनको ऑलरेडी बीएमसी ने धोखादायक बताया है, कहीं वो डर गिर न जाए। कुछ लोग तो घर मकान छोड़कर चले गए नोटिस देने के बाद, लेकिन आज भी कई लोग हैं नोटिस देने के बावजूद भी मकान छोड़कर नहीं गए हुए हैं। तो ऐसे में खतरा बना रहता है कि अगर पुरानी इमारतें गिरती हैं तो कहीं लोगों की जान माल का नुकसान ना हो। जी प्रीति जी, सर्विस धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। જે પ્રકારે આપે દ્રશ્યો જોયા, મુંબઈમાં પણ ધીમી ધારે જે વરસાદ છે તેની શરૂઆત થઈ છે। ગઈકાલે 8-10 કલાક જેટલો વરસાદ વરસ્યો હતો, જેના કારણે અનેક વિસ્તારો છે જ્યાં પાણી ભરાઈ ગયા હતા, અને અત્યારે પણ ધીમી ધારે વરસાદ મુંબઈમાં થઈ રહ્યો છે અને 5 દિવસ ઓરેન્જ એલર્ટ જાહેર કરાયું છે। તો મુંબઈ પોલીસે દરિયામાંથી 2 બાળકોનું દિલધડક રેસ્ક્યુ કર્યું છે। દરિયામાં મજા માણી રહેલા 2 બાળકો એકાએક તણાયા હતા। પોલીસ જવાને પોતાના જીવના જોખમે દરિયામાં જઈને 2 બાળકોનો દિલધડક રેસ્ક્યુ કર્યું। બાળકોનો બચાવ થતા પરિવારે પોલીસ જવાનનો આભાર માન્યો હતો। તો હરિયાણામાં પણ ચોમાસાની દસ્તક, દિલ્હીમાં એનસીઆરના વિસ્તારોમાં મોડી રાત સુધી વરસાદી માહોલ સર્જાયો હતો। બીજી તરફ સોનીપતમાં ચોમાસું આવ્યા પહેલા તંત્રની પોલ ખુલી છે। હરિયાણામાં ચોમાસાને કારણે લોકોને ગરમીથી રાહત મળી છે, તો બીજી તરફ સોનીપતમાં વરસાદને કારણે અનેક વિસ્તારોમાં પાણી ભરાઈ ગયા હોય તેવા દ્રશ્યો સામે આવ્યા। સોનીપતમાં તંત્રએ પાણી ન ભરાય તેનો દાવો કર્યો હતો, જોકે સિઝનના પહેલા વરસાદમાં જ તંત્રની પોલ ખુલી ગઈ છે। અલગ અલગ વિસ્તારમાં રોડ, રસ્તા અને અંડરપાસમાં પાણી ભરાયા હોવાથી લોકોને મુશ્કેલી થઈ રહી છે। વાહન ચાલકો ફસાયા હોય તેવા દ્રશ્યો નજરે પડ્યા છે। શહેરના રોડ, રસ્તાઓ પાણીમાં ગરકાવ થયા છે। વાત કરીએ ઉત્તરાખંડની, ઉત્તરાખંડમાં ભારે વરસાદી માહોલ જામ્યો। સતત વરસાદને કારણે ઉત્તરાખંડના વિષ્ણુપ્રયાગ પાણીમાં ગરકાવ થતું નજરે પડ્યું। બીજી તરફ અલકનંદા નદીના જળસ્તરમાં પણ વધારો થયો છે। ભારે વરસાદને કારણે ઉત્તરાખંડના અનેક વિસ્તારો જળમગ્ન થયા છે। ઉત્તરાખંડમાં ભારે વરસાદથી શેખેતાને લઈને તંત્ર પણ એલર્ટ થયું છે। યાત્રાળુઓની સુરક્ષા માટે તમામ સુવિધાઓ પણ કરવામાં આવી, ઉપરાંત પોલીસ કાફલો પણ તૈનાત કરવામાં આવ્યો છે। पहाड़ों में धीरे धीरे मानसून आने वाला है और उससे पहले प्री मानसून की बारिश भी देखी जा सकती है। घाटियों में इस दौरान काफ़ी बारिश हो रही है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं और अलकनंदा नदी तथा धौली नदी का जल स्तर भी बढ़ने लगा है। आप देखिए, उत्तराखंड के प्रथम प्रयाग की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ की लगातार जल स्तर बढ़ने की वजह से जो विष्णु प्रयाग का जो इलाका है वो लगभग अब जलमग्न हो रहा है और आने वाले मानसून में ये पूरा इलाका पानी से ढक जाता है। यानी कि यहाँ पे दोनों नदियों का जो संगम होता है, संगम स्थान पूरी तरीके से डूब जाता है। 2021 में जब आपदा आई थी उस दौरान यहाँ पे पूरा बह चुका था। ये नवनिर्माण घाटों का किया गया है, लेकिन अब बारिश जैसे जैसे होगी ये नवनिर्माण भी जलमग्न हो जाते हैं। यहाँ पे अगर बात करें तो जिस तरीके से लोग फोटो खिंचा रहे हैं, उनके लिए भी प्रशासन ने सुरक्षा के लिए इंतजाम किए हुए हैं। होमगार्ड के जवान यहाँ पे अब तैनात किए जाएंगे, पुलिस को यहाँ पे तैनात किया जाएगा, क्योंकि पंच प्रयागों पर यात्री स्नान करते हैं। लेकिन अगर फिलहाल मौसम की बात करें तो रात में जो बारिश हो रही है उसकी वजह से लगातार नदियों का जलस्तर भी अब धीरे धीरे बढ़ने लगा है। नितिन सेमवाल, News 18 विष्णु प्रयाग। તો અસમમાં ફરી વખત મેઘતાંડવ જેવા દ્રશ્યો સર્જાયા। હવામાન વિભાગે ઘણા વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદ અને વાવાઝોડાની ચેતવણી આપી છે। ભારે વરસાદને કારણે નદીઓ 2 કાંઠે વહી રહી છે। બ્રહ્મપુત્રા સહિતની નદીઓએ ભયજનક સપાટી વટાવતા જળબંબાકારની સ્થિતિ સર્જાઈ છે। ક્યાંક રસ્તાઓ તૂટ્યા છે અને અનેક ગામો સંપર્ક વિહોણા થયા છે, તો ક્યાંક સમગ્ર ગામમાં જળબંબાકારની સ્થિતિ સર્જાઈ છે।
अनराधार वरसाद थी पूरनी स्थिति वच्चे लाखों लोग पूरथी असरग्रस्त थया छे। लोग पोतानुं घर छोड़ी अन्यत्र जवा मजबूर थया छे। मेघराजाए करेली रौद्र सवारी बाद पण हजु पण अनेक विस्तारोमां येलो एलर्ट जाहेर कराता लोकोने घरथी बहार न निकळवा सलाह आपवामां आवी छे। चौमासानी शरूआतमां ज मेघराजाना आ रौद्र स्वरूपने जोईने असमना नागरिकोना जीव ताळवे चोंटी गया छे। तो हिमाचल प्रदेश अनेक विस्तारों में मेघराजाए रौद्र सवारी करी छे। नदियों में घोड़ा पूर आता भारी ताराची सर्जाई छे। एक तरफ अनराधार वरसाद थी जलाशयों की जलसपाटी वधी तो बीजी तरफ वरसाद शुरू थाय अने भूस्खलन थवानी जे घटनाओ छे ते पण शुरू थई गई छे। राज्यना तुंगाधार में जलाशय में पानीना धसमसता प्रवाहने कारणे चार गाड़ियों तणाई हती तथा अनेक घरों ने पण नुकसान थयुं छे। रस्ता परथी पानीनो धसमसतो प्रवाह पसार थता गामडाओ पण संपर्क विहोणा थया छे। आ तरफ हिमाचल प्रदेश अनेक विस्तारों में वरसाद ताराजी सर्जी है। क्या गर्मी ने कारण ग्लेशियर और बरफ ओगड़ी रो एक प्रदेश में वातावरण में बदलाव जवाब तापमान वाने कारण बरफ ओगड़वा घटना थी रही है। बीजी तरफ बरफ ओगड़वा नदी ना जलस्तर वही रहा है। बुरंग ना में पूर आवाने कारण नहरों ने नुकसान थू। आ समग्र परिस्थिति ने जोई तंत्रए लोग ने नदी ना दूर रहने अपील करी है। जारी हवा विभागे येलो एलर्ट जाहिर कर समाचारों में रोकाईशु एक ब्रेक माटे अन्य समाचार आ ब्रेक बाद। पिकअप गाड़ी नू टायर फसाता काम की गुणवत्ता सामे उठ्या सवाल। दाहोद जिला में गाजवीज साथ वरसाद आगमन। लीमड़ी झालोद लीमखेड़ा धानपुर सहित विस्तारों में जाम्यो वरसादी माहौल। वरसाद आगमन थतानी साथे खेडूतों में छवायो खुशी माहौल। डांग में सापुतारा सहित आसपास विस्तारों में वरसाद। धीमी धारे हलवो वरसाद पड़ो लोगों ने गर्मी थी मिली राहत। अमरेली जिला उकड़ाट बाद वरसद आगमन। धारीना चलाड़ा शहर तेमज केनालपरा और सावरकुंडला में वरसद। वावणी पर वरसद खेडूतों ने निरांत अहसास। जेतपुर पंथक में केटलाक विस्तारों में वरसद की शुरूआत। धीमीधारे वरसद शुरू थता खेडूतों में जोवा मळी खुशी। वावणी बाद प्रथम वरसद खेडूतो खुश। वलसाड जिला में वरसादी माहौल। वापी में वादळछाया वातावरण बाद वरसद वरसियो। वापी सहित आसपास विस्तारों में छूटो छवायो वरसद वरसियो। जूनागढ़ में वरसद आगमन। वादळछाया वातावरण वच्चे वरसादी चापटा पड़ता लोगों ने गर्मी थी छुटकारो मळ्यो। शहर में क्यां हळवो तो क्यां धोधमार वरसाद वरस्यो। वडोदरा डभोई तालुका में वरसद आगमन। शहर धरमपुरी वायदपुर भीलापुर सहित विस्तारों में वरसद वरस्यो। वातावरण में ठनकनी साथ रस्ताओ पर पानी भराया। वडोदरा में वादळछाया वातावरण वच्चे मेघराजा की एंट्री। सतत बे दिवस भारे उकड़ाटना माहौल बाद मेघराजा वरसया। गाजवीज साथ शहर मोटाभागना विस्तारों में वरसादी माहौल। वडोदरा में चौमासु आवतानी साथ ज रस्ता पर मगर आववानुं शुरू। गोल्डन चौकड़ी नजीकना सुखलीपुरा गाम में देखायो 12 फूट लांबो मगर। वन विभाग और जीवदया प्रेमी संस्थाए साथ मिली मगरनुं रेस्क्यू कर्युं। नर्मदा जिला में धीमीधारे वरसद आगमन। राजपीपड़ा में वरसद की गर्मी और उकड़ाट की मिली राहत। बे दिवस वादळों घेराया बाद वरसद आगमन। दाहोद गरवाड़ा जाबुआ गामे नलसे जल योजना अंतर्गत खोदेला खाड़ा में एसटी बस फसाई। खाड़ा पर मात्र माटी होवाथी ड्राइवर ने खाड़ो होवानो न आव्यो अंदाज। रस्ता पर सामसामे बस फसाता लोगों ने हालाकी। गुजरात खेडूतों माटे खूब ज आनंदना समाचार। बे दिवस बाद दक्षिण गुजरात में चौमासा की दस्तक। दक्षिण गुजरात में मेघराजा की धमाकेदार एंट्री थशे। राज्य में 5 दिवस रहेशे वरसादी वातावरण। वलसाड नवसारी डांग में भारे वरसाद थई शके। सौराष्ट्र कच्छ माटे हाल भारे वरसाद की शक्यता नहीं। 26-27 जून मछीमारों ने दरियो न खेड़वा सूचना।
અમદાવાદમાં 5 દિવસ હળવા વરસાદની આગાહી. 2 દિવસ સુધી પારો 34-35 ડિગ્રી આસપાસ રહી શકે. 2 દિવસ બાદ પારો પણ નીચે ગગડી શકે છે. હવામાન નિષ્ણાંત અમલાલ પટેલની આગાહી. કહ્યું કે 24 કલાકમાં ગુજરાતમાં ચોમાસું વધુ સક્રિય થશે. 25 જૂનથી 2 જુલાઈમાં રાજ્યના કેટલાક ભાગોમાં થશે શ્રીકાર વર્ષા. અમરેલી જિલ્લામાં ધોધમાર વરસાદ. ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં વરસાદથી ખેડૂતો ખુશ. અમરેલી જિલ્લામાં મેઘરાજાએ એવી તો ધમાકેદાર એન્ટ્રી કરી કે જાણે અષાઢી માહોલ હોય. અમરેલી જિલ્લાના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં ગાજવીજ સાથે ધોધમાર વરસાદ ખાબક્યો. હવામાન વિભાગે 48 કલાકમાં 47 ચોમાસાના આગમનની આગાહી કરી છે. ત્યારે અમરેલીમાં છવાયેલો આ વરસાદી માહોલ કોઈ ચોમાસાથી કમ નથી. વહેલી સવારથી અસહ્ય બફારા બાદ સાવરકુંડલા પંથકના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં સારો એવો વરસાદ વરસ્યો. અમૃતવેલ, ભુવા, ધાર, મોલડી, મોટા જીંજુડા, ઠવી, વિરડી, નાળ સહિતના આસપાસના વિસ્તારોમાં વરસાદનું આગમન થયું. ગ્રામ્ય પંથકોમાં વરસાદ પડતા ખેડૂતોમાં ખુશીનો માહોલ છવાઈ ગયો. તો બીજી તરફ વરસાદને કારણે વાતાવરણમાં ઠંડક પ્રસરી. કેટલાક વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદ વરસતા રસ્તા પરથી પાણી વહી નીકળ્યા. અસહ્ય બફારા બાદ ધારીના ચલાલા શહેર તેમજ કેનાલપરા અને સાવરકુંડલામાં વરસાદનું આગમન થયું. બપોર બાદ વાતાવરણમાં પલટો આવ્યો. વરસાદને કારણે વાતાવરણમાં ઠંડક પ્રસરી. ખેડૂતોની વાવણી ઉપર વરસાદ થતા ખેડૂતોએ રાહતનો શ્વાસ લીધો. આ તરફ પાવાગઢમાં ભારે વરસાદને પગલે પગથિયામાં વરસાદી પાણી વહેતા થયા. દ્રશ્યોમાં જોઈ શકાય છે કે પગથિયા પરથી વરસાદી પાણી વહી રહ્યા છે. એક તરફ બ્રેક બાદ ફરી આપનું સ્વાગત છે. ખેડામાં વરસાદી માહોલમાં દિવાલ તૂટવાના બનાવ સામે આવ્યા છે. વાતલમાં 2 મકાનની દિવાલ ધરાશાયી થઈ છે. દિવાલ તૂટતા 2 મશુઓના દબાઈ જવાથી મોત થયા. વાતલમાં સવારે 2 કલાકમાં લગભગ 3.5 ઇંચ જેટલો વરસાદ પડ્યો છે. કટલાલ, કપડવંશ સિવાય તમામ તાલુકામાં વરસાદ થયો છે. ખેડા જિલ્લામાં સવારથી જ વરસાદી માહોલ જામ્યો છે. સવારે 2 કલાકમાં 3.5 ઇંચ જેટલો વરસાદ ખેડામાં જોવા મળ્યો. ગઈકાલે પણ ખેડામાં વરસાદ પડ્યો હતો અને આજે પણ સવારથી જ વરસાદી માહોલ જામ્યો છે. કટલાલ અને કપડવંજ સિવાય તમામ જ તાલુકાઓ છે કે જ્યાં વરસાદ નોંધાયો છે અને સાથે જ વરસાદી માહોલમાં દિવાલ તૂટવાના બનાવ પણ સામે આવ્યા છે. જાણકારી સાથે સંવાદદાતા ઉમંગ પટેલ જોડાઈ ગયા છે. ઉમંગ, ગઈકાલે પણ ખેડામાં વરસાદ વરસ્યો હતો, આજે પણ વરસ્યો, પરંતુ તેને કારણે મકાનની દિવાલ ધરાશાયી થઈ છે. સ્થિતિ કેવી અત્યારની? વાત કરીએ તો ખેડા જિલ્લામાં ગત રોજથી પ્રિ મોન્સૂન એક્ટિવના કારણે મેઘરાજા ધોધમાર બેટિંગ કરી રહ્યા છે. 2 તાલુકા સિવાય તમામ તાલુકાઓમાં 1 ઇંચથી લઈને 4 ઇંચ જેટલો વરસાદ પડ્યો છે. ત્યારે માતરની અંદર આજે વહેલી સવારે 2 કલાકની અંદર 4 ઇંચ જેટલો વરસાદ પડતા જ માછલ ગામની અંદર આ દિવાલ ધરાશાયી થવાની બનાવની ઘટના સામે આવી હતી. દિવાલ ધરાશાયી થતા 2 પશુઓના દુઃખદ મોત નીપજ્યા હતા. જ્યારે મહત્વની વાત છે કે દિવાલ, જે મકાનની દિવાલ હતી, ત્યાં કોઈ વ્યક્તિ હાજર નહોતો એટલે મોટી દુર્ઘટના પણ ટળી હતી. પરંતુ ચોક્કસથી જ્યારે આ પ્રકારના વરસાદ અચાનક આવતા હોય છે ત્યારે કાચા મકાનની દિવાલ ધરાશાયી થવાના કારણે એક મોટી દુર્ઘટના ટળી હોય તેવું પણ કહી શકાય. પરંતુ 2 પશુઓના મોત નીપજ્યા હતા અને હાલમાં જે ગ્રામજનો છે તેમના દ્વારા બાકીના જે પશુ હતા તેમને બચાવી લેવામાં આવ્યા હતા. મહત્વની વાત છે કે જે વરસાદ પડ્યો છે તેના કારણે ખેડૂતોમાં પણ એક બાજુ ખુશીની માહોલ અત્યારે જોવા મળી રહ્યો છે. જી પ્રીતિ, બિલકુલ ઉમંગ, આભાર આપનું જાણકારી માટે. સવારે 2 કલાકમાં 3.5 ઇંચ જેટલો વરસાદ થયો છે અને સાથે જ વાત કરીએ તો આ વરસાદ પડવાને કારણે 2 મકાનોની દિવાલ પણ ધરાશાયી થઈ હોવાનું સામે આવ્યું છે, જેમાં 2 પશુઓના મોત થયા છે. વાત કરીશું અન્ય સમાચારની. સુરતમાં નર્સિંગનો અભ્યાસ કરતી વિદ્યાર્થિનીનું મોત થયું છે. પરિવારે હોસ્ટેલ સ્ટાફ પર ગંભીર આરોપ લગાવ્યા છે. પલસાણા બલેશ્વર સંસ્કાર વિદ્યાકુંજ હોસ્ટેલમાં આ ઘટના બની ઉપરના માળેથી ફેંકી હોવાનો પરિવારજનોએ આક્ષેપ કર્યો છે. હોસ્ટેલ સ્ટાફે વિદ્યાર્થિનીને ચક્કર આવ્યાનું જણાવ્યું છે અને પરિવારે હોસ્ટેલ ખાતે હોબાળો કર્યો. હોસ્ટેલ ખાતે ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવી દેવામાં આવ્યો છે. ઘણા બધા કરેક્શનો આવે છે, એ ખરેખર પ્રજાનો પણ થોડો એમના કુટુંબીજનોને આક્રોશ છે કે ભાઈ આ ખરેખર રિયલી તપાસ થવી જોઈએ. અને દીકરી સવારે એના ભાઈ સાથે કોન્ટેક કરે છે અને પછી રાત્રે કોઈ હોસ્ટેલમાંથી ફોન કરે છે કે તમારી દીકરીને વાઈ આવી છે અને દવાખાને દાખલ કર્યા છે. 2-3 પ્રકારના કરેક્શનો આવે છે. ખરેખર તપાસમાં અત્યારે દાખલ કરી અને આગળની તપાસ મારી નિગરાની હેઠળ રહેશે અને જે કંઈ સત્ય છે એ બહાર લાવવામાં આવશે. તો સમાચારોમાં અત્યારે ફક્ત આટલું છે અને સમાચારો માટે આપ જોતા રહો ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી. નમસ્કાર.
धोधमार वरसाद बाद